नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसएबीसी क्लास। अभी तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया और कई बच्चों का पढ़ाई में इसी वजह से मन नहीं लग रहा है, वो रिजल्ट का वेट कर रहा है। रिजल्ट आएगा तब पढ़ेंगे, मतलब अभी भी आलकसपन उनके दिमाग में बैठ चुका है। कई बच्चों ने अपनी पढ़ाई जारी कर दिया धीरे धीरे, लेकिन कई बच्चे अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे रिजल्ट आएगा तो उनके अंदर बहुत सारी पावर आ जाएगी और जिससे वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। आपकी वर्कशीट जब आ रही थी 3 और 2 के हिसाब से, आप रोज वर्कशीट किए जा रहे थे, लेकिन अब आपके पास कुछ भी काम नहीं आ रहा तो आप खुद आप अपने आप को ढीला कर चुके हो। जैसे एक जंगल का शेर होता है और एक पिंजरे का शेर होता है। पिंजरे का जो शेर होता है उसे डंडे मारने पर, हंटर मारने पर कुर्सी पर बैठ तो जाता है लेकिन वो शिकार नहीं कर पाता। लेकिन जो जंगल का शेर होता है वो अपनी काबिलियत हमेशा दिखा रहा होता है, चाहे किसी भी कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आए। वो वेट नहीं करता कि कुछ आएगा तब देखी जाएगी, नहीं, वो हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहता है। जिस हिसाब से आप अपनी आदतें खराब किए जा रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है 21 दिन में आपकी जो आदतें होती हैं पूरी तरह से बदल जाती हैं। वो बन चुके हैं इसी से, वो छूटना चाहते हैं लेकिन नहीं छूट पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हाँ तो मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि मोदी जो बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं, प्रधानमंत्री बनना। प्रधानमंत्री जी चाय बेच रहे थे तो आप लोग भी बाहर जाके फिर चाय बेचने लग जाओ, क्या दिक्कत है? बाई चांस आप सक्सेस हो जाते हैं तो क्या कहेंगे, अरे नहीं भैया हम तो लॉकडाउन के समय में आराम कर रहे थे, सोए हुए थे, हमारा रिजल्ट जब तक नहीं आया तब तक तो हम आराम कर रहे थे। समझ में आया? अगर आपका कोई इंटरव्यू लेने आएगा तो क्या बोलोगे आप? यही बोलोगे हम तो आराम कर रहे हैं, ठीक है। और एक दिन सफलता हमारे पास आई और हमने बोला भैया हमें पास कर दो, हमें सफलता दे दो, तो सफलता हमें मिल गई। इंटरव्यू में आप यही बताएंगे कि जीवन में आपकी सफलता को सफलता दिलाने के लिए आपकी शिक्षा दी जाती है, आपको शिक्षा दी जाती है, आप शिक्षा लेते हैं इसी वजह से कि जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, बस, या केवल मार्कशीट प्राप्त कर सके। मार्कशीट तो बस आपका एक कागज का टुकड़े के समान होता है, लेकिन जो आपके अंदर ज्ञान होता है वो किसी मार्कशीट से बहुत ही बढ़कर होता है। और जो ये आप बहाना बना रहे हैं ना, पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ये आप साफ अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और दूसरों से कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया इस वजह से नहीं पढ़ रहे। और ये झूठ बोल के आप अपने आप को तसल्ली दिला रहे हैं, लेकिन आपका मन अभी भी नहीं मानता, आपका मन अभी भी नहीं मानता। आप खुद अपने आप से कह रहे हो नहीं गलत तो है, लेकिन जो आपकी ये आदत बन चुकी है ना पढ़ने की, बस वीडियो देखते चले जाने की। और जिंदगी में सबसे महंगी चीज जो होती है बताइए क्या होती होगी? समय। अगर आपको पता तो अच्छी बात है। जिंदगी में सबसे महंगी चीज जो है वो आपका टाइम है, और आप फालतू की चीज देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लाखों का टाइम आप कौड़ियों का भाव बेच रहे हो। वाह जी वाह। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको भी तैयार होना चाहिए। जैसे स्कूल जाने के लिए आप तैयार होते हैं, वैसे जिंदगी में भी कुछ हासिल करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो, आप जो कर रहे हो आपको खुद पता है। जिंदगी में बढ़ते रहो और सफलता प्राप्त करते रहो। अगर फोन में बैठ के यूं ही गेम खेलते रहोगे तो जिंदगी एक दिन आपसे खेलेगी, और फिर आप खुद बड़े होगे, फिर दूसरों को ये बात शिक्षा देंगे, अरे बच्चे पढ़ लो, अरे बच्चे पढ़ लो, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने गलतियां की हैं और आप ये नहीं चाहते कि वो छोटा बच्चा फिर गलती करे। और कोई आपको बड़ा भी समझा रहा है तो फिर उसे आप कहते हो चलना अपना काम। क्यों? आपको भी पता है पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है जो आपको अमीर इंसान बना सकती है, अच्छा इंसान बना सकती है। क्या कभी आप अपने छोटे जो आपके आपके साथ आसपास जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, क्या उनको आप कहते हो ए खेल, दिन भर खेल, खेलने से तो लाइफ बन जाती है? कभी आप कहते हैं? आप उसे भी यही सजेस्ट करोगे पढ़ लो यार तुम्हें 2 का पाड़ा आता है, 3 का टेबल आता है, 4 का टेबल आता है, यही पूछोगे, ABCD आती कि नहीं आती, यही सब आप भी पूछते हो, देखो उसकी नॉलेज पूछते हैं कि आता कि नहीं आता। उसे नहीं आता उसे बताते अरे पढ़ो ये, इससे ये होता है, इससे ये होता है। तो यही चीज अगर दूसरे को आप बता रहे हैं तो ये आपको अपने अंदर भी अप्लाई करनी चाहिए। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और यदि आपको अभी भी लग रहा है, डर लग रहा है कि हम 9th में फेल हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर पढ़ाई मत करो, फिर पढ़ो ही मत। हार से डर जाने से बेहतर है जीत के लिए कोशिश करो मेरे दोस्त, जीत के लिए कोशिश करो, और हमेशा अग्रसर रहें सीखने के लिए। रट्टू ना बने, रट्टू कोई किसी भी चीज को रट्टा ना करे, उसे चीजों को समझें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, ठीक है।
तो उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अपनी कॉपी किताब खोलिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि एक बार जो समय चला जाएगा किसी भी आपके फॉर्म में जगह नहीं मिलेगी कि COVID-19 की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की, मेरा एग्जाम देर से हुआ इस वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आया इस वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, कहीं ऐसा कॉलम नहीं आएगा बच्चों बहाना बनाने का। आपका बेस्ट बहाना क्या है, यहाँ पे टिक करे और जॉब पाए, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं आएगा। आपकी नॉलेज ही हर जगह चेक की जाएगी और ये आपको भी पता है। तो पढ़ते रहें और आगे पढ़ते रहें और खुद को बढ़े और देश को बढ़ाएं। मैं सभी क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।